जा रही हो? हाँ, जैसी हमने वो कल की मीटिंग के बारे में क्या सोचा? कल कोई मीटिंग नहीं होगी, पार्टी होगी, यहाँ पर सब चिल करने वाले हैं, ओके? अच्छा, तुमने देव से बात की, वो आ रहा है? हाँ, मेरी बात हुई उनसे अभी, वो आ रहे हैं। ग्रेट, पता है बहुत अच्छा लगेगा मुझे सबको अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़े होते हुए देखकर। बहुत मजेदार दिन होने वाला है सबका, सिवाय मेरे। मेरा कोई पार्टनर नहीं है ना जिसे मैं यहां पर लेकर आऊं और पार्टी में शामिल करूं। बट क्या है कि बाकियों के चेहरे पे खुशी देखकर शायद मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम सब है ना आपकी फैमिली, हमारे होते हुए आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। कहना बहुत आसान है विधि, बट क्या है कि लाइफ पार्टनर की जगह कोई और नहीं ले सकता। अब तुम अपने आप को ही देख लो ना, देव को लेकर इतना बिजी हो जाती हो कि मैंने जो काम दिया था वो भी भूल गई। भूल ही नहीं हूं मैं, इनफैक्ट मैं तो भूल ही नहीं सकती, भूल रही हूं मैं, थोड़ा वक्त लगता है। इतना वेट नहीं करने वाला। अच्छा, चित्रा को मिलने जा रहा हूँ, उसे कोई सरप्राइज देना है, तुम साथ में चलोगी? ओके, मैं वहां से फिर उन्हीं के साथ चली जाऊंगी घर। ओके, लेट्स गो। भाभी, जय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब पता चल जाएगा चित्रा। लेके आओ उसे अंदर। किस लिए जय? चित्रा मेहता घर पे है, उनके पति गायब हैं, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। विक्रम गायब है? जब तक आपके पति मिल नहीं जाते आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगी। विक्रम, जय, जय तुमने विक्रम को? जय जी, ये यहाँ पर? हाँ विधि, जो अपनों को तकलीफ पहुंचाता है ना उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर ले आता हूं मैं। और फिर ये तो एक नंबर का राक्षस है, इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। ओए सुन, चित्रा मेरे बचपन की दोस्त है, आगे से इसको परेशान किया ना तो माफी मांग, चल। सॉरी, तभी से माफी मांग। सॉरी चित्रा, मुझे माफ कर दो चित्रा, मुझसे गलती हो गई चित्रा, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ठीक है? लेके जा इसे, लेके जा। जय जी ने चित्रा के लिए ये सब किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि जय जी चित्रा के बारे में इतना सोचते हैं। थैंक यू सो मच जय, तुमने आज जो मेरे लिए किया है ना उससे तुम्हारी वैल्यू मेरे दिल और मेरी लाइफ में और भी बढ़ गई है। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। देव रायचंद, एक तरफ मैं तेरी बहन की नजरों में हीरो बन गया तो दूसरी तरफ तेरी बीवी विधि की आंखों में भगवान। सुपर फीफ फूड गेट टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। गेम शुरू करने से पहले मैं हमारे बॉस मिस्टर जय शाह को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी को दो शब्द कहें। प्लीज सर, आइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वर्क प्लेस। वैसे ये फैमिली गेट टुगेदर या टुगेदरनेस में मैं बिलीव नहीं करता था,
और इस पार्टी के पीछे मेरा हाथ नहीं है। इनफैक्ट ये पार्टी किसी और का आइडिया है और मैं उसे क्रेडिट देना चाहूंगा जिसका ये आइडिया है, हमारी ऑफिस की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉई मिस विधि। आज उन्हीं की वजह से ये पार्टी हो रही है। एक्चुअली ये रावजी भाई का आइडिया है। और विधि के साथ साथ मैं उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूंगा जो आज हमारे बीच यहां पर आए हैं, मिस्टर देव राइच। मिस्टर देव राइचन जो एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन आज खास यहां पर विधि को सपोर्ट करने आए हैं। सो थैंक यू सो मच देव, प्लीज। थैंक यू जय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैसे तो मैं अपनी वाइफ विधि को हर जगह सपोर्ट करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश वही रहती है, लेकिन आज मैं यहाँ विधि की वजह से नहीं आया, आज मैं यहाँ राव जी भाई की वजह से आया। एक्चुअली वो मानते थे कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो आपकी फैमिली की तरह होने चाहिए और साल में कम से कम एक दिन जरूर ऐसा होना चाहिए जहाँ आपके एम्प्लॉयज अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आए और आपसे मिलवाएं ताकि आप उनको और बेहतरी से जाने। व्हाट अ विजनरी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू। तो शुरू करते हैं आज का पहला गेम, जिसमें आशा करते हैं कि सभी श्रीमान उनकी श्रीमती जी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। शशि जी, पार्टनर्स वाला गेम है तो जय जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करूंगा मैं, और मेरी पार्टनर होगी चित्रा। चित्रा 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 चित्रा, मेरी सुख दुख की साथी और मेरी बचपन की दोस्त, आज मेरी पार्टनर है। अभी जय की कौन सी नई चाल है विधि के बाद चित्रा को अपने क्लोज करने की? देखा देव जी, कल विक्रम को ढूंढ कर लाना और आज सबके सामने चित्रा को अपनी पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करना। इनके मन में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इंटरेस्टिंग गेम। प्लीज सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ रेडी रहना। 1, 2, 3 म्यूजिक। अगला राउंड म्यूजिक। अगला राउंड फाइनल राउंड म्यूजिक।
हमारी पहली गेम की विनर है मिसेज विधि रायचंद। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जो होगा मर्दों के बीच। तो क्या आप लोग तैयार हैं आर्म रेसलिंग के लिए? सॉरी हाँ, दिस टाइम मैं जय के साथ हूं। वैसे मैं आपके साथ हमेशा रहती हूं पर इस बार ना सॉरी हाँ। क्या जय सर, इतने यंगों के भी हार गए। हार जीत तो चलती रहती है, मुद्दा है लड़ना और मेरे लिए आप दोनों विनर हैं। क्यों पब्लिक, सही कहा ना मैंने? सही बात। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे गेम की तरफ। तो इस गेम में मैं हमारी नारी शक्ति को आगे बुलाना चाहूंगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पार्टनर की आवाज पर निशाना लगाना है। पर याद रहे, निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। सो लेडीज, आर यू रेडी टू प्ले? यस। शाय, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले कपल को। चित्रा जी आप आइए। चित्रा थोड़ा संभाल के। ओके भाभी। एंड नाउ मिसेस देव रायचंद। ओके गो विद इट। यस मामी यू कैन डू इट। विधि, मैंने जब से तुम्हें प्यार किया है तब से मुझे पता चला कि दिल तक जो बात पहुंचती है तो जरूरी है कि वो दिल से भी निकले।
रिश्ते सच्चाई और ईमानदारी से निभाए जाते हैं, ना कि झूठ, मक्कारी और तिगड़म से। It's okay. पीछे से धक्का लगा, बैलेंस बढ़ गया। No problem. कोई चेयर लेकर आओ जल्दी से। तीजी ये तो बहुत ही ज्यादा लग गई आप। It's okay. अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये चोट तो काफी सीरियस लग रही है। I don't think so, आगे की गेम्स खेल पाएंगे आप? हाँ देव जी, हम रहने देते, मैं नहीं खेली आगे की गेम्स। खेलिए। पर देव जी, आपको चोट लगी। खेलें। खेलें। ओके। हर कपल को कुछ सवालों के जवाब देने, और हर सही जवाब देने पर नीचे रखे पेपर को फोल्ड किया जाएगा। एंड में जिसका पेपर सबसे ज्यादा फोल्ड होगा वो इस गेम का विनर होगा। जय जी, आपके लिए सवाल। चित्रा के कॉलेज में कितने फ्रेंड्स थे? 3। नहीं जय, मेरे 4 फ्रेंड्स थे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है, तुम्हारी वजह से हार गए। तो आप बताइए कि आपके पार्टनर ने पहली डेट पर कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? व्हाइट शर्ट, ब्राउन पैंट्स। अब तो गोद में उठा लीजिए सर। क्या गोद में उठा लो? अरे उसे चोट लगी, उसकी उम्र तो देख। तो हमारे आज के इवेंट के पावर कपल हैं मिस्टर एंड मिसेस देव रायचंद, और इनकी अनमैच कंपैटिबिलिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मान गया बुढ़ाओ को, उम्र हो गई लेकिन बल नहीं गया। इन दोनों की सो कॉल्ड कंपैटिबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी। अब मुझे विधि से थोड़ा ध्यान हटाकर देव पे ध्यान देना होगा, उसे रास्ते से हटाना होगा, ताकि मैं अपनी विधि को हासिल कर पाऊं।